और यहाँ पर आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। वजीर आजम इमरान खान की उस्मान बुज़दार को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर वजीर आजम की वजीर आला पंजाब को विफाक की जानिब से हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी कराई गई और वजीर आजम की जानिब से हिदायत की गई है कि तमाम अरकान और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। और साथ ही साथ वजीर आजम इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया है कि अवाम ने मैंडेट दिया, पंजाब में तब्दीली नजर आनी चाहिए। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से मुतालिक अपडेट्स लेंगे आन शिराजी से। आन शिराजी, अपडेट कीजिएगा, मुलाकात से मुतालिक किन किन उमूर पर गुफ्तगू की गई? जी देखिये, वजीर आजम इमरान खान से जो पंजाब के नौ मुंतखब वजीर आला है उस्मान बुज़दार, उन्होंने मुलाकात किया और इस मुलाकात में इब्तदाई तौर पर पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मंशूर है उसके मुताबिक काम करने की बात की गई है। वजीर आजम इमरान खान ने हदायत की नौ मुंतखब वजीर आला को कि अवाम ने मैंडेट दिया है तो मैंडेट का एहतराम करते हुए लोगों को पंजाब में तब्दीली नजर आनी चाहिए। और उसके साथ उनका कहना था कि वो इत्तेहादी पार्टियां जो पंजाब में तहरीक इंसाफ की हकूमत का हिस्सा है उनको भी साथ लेके चलना है और सबको इत्माद में लेना है। उसके अलावा इस मुलाकात में अलीम खान भी मौजूद थे और पंजाब की जो वजीर आला की अब काबीना आनी है उसके हवाले से भी बातचीत की गई है। और इमरान खान इस मामले में खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं कि काबीना के अराकीन जो है वो इस तरह के लाए जाए कि जो बेहतर तरीके से काम कर सके। और इस हवाले से इमरान खान का वजीर आजम इमरान खान का यही कहना था उस्मान बुज़दार को कि आप अपनी टीम तैयार करें और इस पर मैं खसूसी नजर रखूंगा। ताहम आपको ये देखना है कि जो 100 दिन का एजेंडा है उसमें आपका बड़ा क्लीदी किरदार है क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। जी शुक्रिया अंशिराजी।